का ये तो तीरथ है सारे जहान का, राजधानी दिल्ली में आखिरकार छठे चरण के दरमियान मतदान हो चुके हैं। 7 लोकसभा सीटों पर यहां वोटिंग हुई है और इन सबके बीच में वाद विवाद भी हुए हैं। जहां एक तरफ बीते कल विधायकों के टिकट को लेकर बवाल मचा, जहां इससे पहले पर्चा बांटने को लेकर बवाल मचा, इन सबके बीच में मतदान वाले दिन यानी आज 12 मई को मुस्लिम बहुल इलाकों में आखिर ईवीएम मशीन काम क्यों नहीं कर रही, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। इन सबके बीच में आपको बता दें, दिल्ली वालों की अगर बात की जाए तो जनता क्या चाहती है, जनता क्या कहती है, जनता का दिल इस बार किस पर भरोसा करके बैठा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, इसे लेकर चर्चे बीते काफी समय से हो रहे थे। प्रचारकों से शुरुआत करेंगे, फिर चाहे आप बात यहां प्रकाश राज और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की करें, जो स्टार प्रचारक के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे, आप यहां पर राज बब्बर शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे, या आप यहां बात सनी देओल और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज सितारों की करें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे, प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई। बावजूद इसके दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। प्रचार प्रसार हर जगह हुए हैं, लेकिन क्यों देश की राजधानी दिल्ली का मुस्लिम कह रहा है हमें नजरअंदाज किया गया है, क्यों देश की राजधानी मुस्लिमों का दिल ये कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार नहीं। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उम्मीदवार यहां उन्होंने सोच समझ कर उतारे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए या कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, सबने अपनी ओर से यहां पर उम्मीदवार बेहतरीन उतारे हैं, क्योंकि बता दें आपको 2020 में होने वाला है यहां विधानसभा चुनाव, तो ये अगर देखा जाए तो ये सेमीफिनाले के हिसाब से हर पार्टी के लिए है। फिर चाहे आप बात कांग्रेस पार्टी की करें जो एक बार फिर से चाहेगी कि वो दिल्ली की सत्ता में आए, क्योंकि उनका सुपड़ा साफ कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने जब 70 में से 67 सीटें उन्हें मिली थी, 67 seats out of 70 जब आम आदमी पार्टी ने हासिल की विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया। आप सत्ता में एक बार फिर वापस आने की तैयारी में जोरों शोरों से कांग्रेस उतरी है बेहतरीन चेहरों के साथ, और इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें भले ही विधानसभा में हासिल की हो, लेकिन लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहा उतना अच्छा रिस्पांस, जिस तरीके से जनता अरविंद केजरीवाल को लेकर राय दे रही है, वो आम आदमी पार्टी को परेशान कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 2020 में यहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इन 7 सीटों की वोटिंग को डेफिनेटली बिल्कुल साफ बात है सेमीफिनाले के तौर पर देख रही है। और इन सबके बीच में दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिमों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देना कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाता है। बता दें आपको, बटला हाउस से लेकर जामिया नगर इलाके तक मुस्लिमों से बातचीत की गई है, वहां के मुस्लिमों ने कौन सी समस्या बताई, एक तरफ वोटिंग दूसरी तरफ मुस्लिमों का भारतीय जनता पार्टी को लेकर मत, किस तरीके से 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग को एक नए मोड़ पर ले जाकर रख देता है, उनकी दशा बदल देता है, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल, इन सबके बीच तीखी बयानबाजी का दौर दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के साथ समाप्त हो गया। आज राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन सबके बीच में मुकाबला यहां पर टक्कर का है। दिल्ली का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इसके कई भी और मायने हैं। 2013 में सत्ता से बेदखल होने के बाद राजधानी दिल्ली में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है कांग्रेस। दूसरी तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है। आज दिल्ली के मुस्लिमों पर हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। जहां एक तरफ ईवीएम काम ना करने को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं उन्हें लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वहीं इन सबके बीच बाटला हाउस, जी हाँ,
दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर चुनाव मंच पर जब भी बाटला हाउस का जिक्र होता है, यहाँ के मुसलमान अपनी कौम के लिए एक तोहमत मानते हैं इस एनकाउंटर को। और बाटला हाउस के मुसलमान क्या कहते हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। बाटला हाउस के रहने वाले सैफी अहमद कहते हैं, जब भी यहाँ के एक खास मकान का जिक्र आता है तो ये बातें परेशान करती हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इलाके को जानबूझकर बदनाम किया जाता है। महेश गिरी ने कोई काम नहीं किया और इस इलाके को साथ साथ हमें भी दरकिनार किया है। जो हमारी कौम का है, हमारे इलाके का विकास करेगा, हम उसी को वोट देंगे। जामिया नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और यहाँ के मुसलमान बीजेपी पर ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमानों का मत बांटने का आरोप लगाते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमानों को बांट रही है, ये आरोप यहाँ पर जामिया नगर के 70% मुसलमान लगाते हैं। और यहाँ के मुसलमानों का वोट क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बट रहा है, ये सवाल यहाँ उठता है। बता दें आपको, 1991 के बाद पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। पूर्वी दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें हैं। जामिया नगर के अगर ओखला विधानसभा इलाके की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए यहाँ के मुसलमानों का मन और मत दोनों बटा रहा। जामिया नगर में मुसलमानों की नजर में राहुल गांधी की पार्टी सबसे ऊपर है, कोई केजरीवाल के खेमे में है, कुछ वोटर इन दोनों से खफा है। ओखला का जामिया नगर देश भर के मुसलमानों के लिए एक राजधानी की तरह है और इन सबके बीच में यहाँ के मुसलमान जो हैं भारतीय जनता पार्टी को जरा भी मत देते हुए दिखाई नहीं पड़ते। बता दें आपको, इस बार सिर्फ सीटें अपने नाम करने की बात नहीं है, इस बार तीनों ही पार्टियों का काफी कुछ दांव पर है। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर बात करें तो बीते 4 सालों में ये दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र के दखल को लेकर लड़ती रही। दिल्ली की चुनावी जंग की रोचकता हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से बड़ी है। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित और विजेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में चुनावी मुद्दे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक जाम, आतंकवाद से लेकर बेरोजगार और प्रदूषण से लेकर पार्किंग तक बनाए गए हैं। समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक दलों ने संबोधित करने का प्रयास किया है। इन सबके बीच में अगर प्रचार की बात करें तो प्रचार प्रसार में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। आम आदमी पार्टी के पक्ष में उसके नेताओं के अलावा देश भर में बीजेपी विरोध के लिए मशहूर एक्टर प्रकाश राज और स्वरा भास्कर ने कैंपेन किया। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और हेमा मालिनी ने कैंपेन किया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं ने राजधानी दिल्ली का दिल जीतने के लिए यहाँ पर कैंपेनिंग की है। मतदान हो चुके हैं, नतीजे आएंगे 23 मई को। ये नतीजे किसको कितनी खुशी देते हैं देखना होगा।